अरे रे, लोगों को भी नींबू की कदर नहीं, यहाँ ऐसे फेंक कर चले गए। पर मैं यहाँ इन्हें ऐसे थोड़ी छोड़ सकती हूँ। और बता कैसी है? ये ले नींबू पानी। नींबू पानी से याद आया कि आज सुबह जब मैं सब्जी लेकर जा रही थी तो मेरे नींबू की थैली फट गई। अच्छा, फिर? अरे फिर क्या, वो नींबू मैंने वहीं छोड़ दिए। वहीं छोड़ दिए? पर क्यों? अरे जहाँ वो नींबू गिरे थे वो जगह बहुत गंदी थी, यहाँ के सारे कुत्ते वहीं सुसु पॉटी करते हैं। क्या? करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे नींबू पानी काफी टेस्टी बना है। हाँ, थैंक यू। रिद्धि, कुणाल बेटा इधर आओ। हाँ मम्मा, क्या हुआ? बेटा आज दिवाली है तो तुम दोनों जाओ और पूरी सोसाइटी के सभी बड़े बुजुर्ग के पैर छूना और उन्हें दिवाली विश करना, ठीक है? ठीक है मम्मा। अरे रुको, और ये लेते जाओ। ये? अरे बेटा जो भी पैसे मिलेंगे ना उन्हें इसमें संभाल के रख देना। आखिर यही तो दिन है जहाँ पे हमें मुफ्त में पैसे मिलते हैं और उन पैसों को मैं संभाल कर रख पाऊंगी, ठीक है बेटा? अब तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ। ये माँ भी ना कभी नहीं सुधरेगी। अरे कुणाल, अरे बेटा इतनी सारी मिठाई खाएगा तो तेरे पेट में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर मुफ्त में थोड़ी इलाज करता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर हम बचत कैसे करेंगे? बचत करना भी तो जरूरी है। चल मैं तुझे मिठाई देती हूँ, ला। ये ले। पता नहीं अब ये माँ अपनी कंजूसी कब छोड़ेगी। चलो रंगोली तो बन गई। अरे करिश्मा। हाँ? कितने सारे कलर पड़े हैं, थोड़ी रंगोली बड़ी तो बना। अरे ज्यादा बड़ी रंगोली बनाऊंगी तो ज्यादा रंग इस्तेमाल होंगे, ज्यादा रंग इस्तेमाल होंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो गए तो फिर नए लाने पड़ेंगे, नए लाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। फिर हम बचत कैसे करेंगे, बचत करना भी तो जरूरी है। ये नहीं सुधरेगी। ये एक चम्मच तेल इस दिए में और ये एक चम्मच तेल इस दिए में। हाँ अब ठीक है। अरे मम्मा ये अपने दियों में कम तेल क्यों डाला है? अरे बेटा आपको पता नहीं तेल कितना महंगा हो गया है, थोड़ा थोड़ा डालूंगी तभी तो लंबे टाइम तक चलेगा। अरे मम्मा भगवान जी ने हमें कितना कुछ दिया है फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो? क्योंकि बेटा कंजूसी नहीं करूंगी तो कहीं ये सब खत्म हो गया तो मम्मा इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जीना ही छोड़ दें। बेटा तू अभी छोटी है, तू ये सब नहीं समझेगी, तू जा अपना खेलने का काम कर। ये मम्मा भी ना कभी नहीं सुधरेगी। भगवान जी इस घर में किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मैं कितनी बचत करती हूँ फिर भी कोई मेरी कदर ही नहीं करता। अरे दिए का तेल और इसमें भी खाली है, और तो और मिठाइयाँ। मम्मा आप इतनी कंजूसी करती हो ना इसलिए भगवान जी ने सब कुछ ले लिया है। हाँ माँ सब कुछ ले लिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या? अरे मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई थी और बाकी रंगोली वो कहाँ गई? और कर कंजूसी, अब तेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अरे पर्स में तो कितने सारे पैसे थे पर अभी कुछ नहीं है। कैसे होंगे, कंजूसी तो इतनी करते हो। माँ अब आपके पास कुछ नहीं है। जब कुछ रहा ही नहीं तो कंजूसी कैसे करेगी।
ये कैसा सपना देखा मैंने? भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर दी। मैं ये भूल गई थी कि जिंदगी है तो जरूरतें भी रहेगी, इसमें हद से ज्यादा कंजूसी ठीक नहीं। रिद्धि बेटा, कुणाल, हैप्पी दिवाली। आप दोनों को जितनी मिठाई खानी हो ना उतनी खा लो। पापा, माँ कितनी बदल गई है ना। हाँ पापा, देखो ना मम्मा कितनी बदल गई है। चलो देरी सही, पर इसकी कंजूसी खत्म तो हुई।